इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, ज्वाइन दी 100% डिजिटली एनेबल्ड फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी। स्वागत है आप सभी का मेरी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे। शुक्रवार को रायसेन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया और यहां पर समीक्षा बैठक उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित फसलों और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा, उसका भुगतान बकायदा किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। कांग्रेस का यह कहना था कि सिर्फ मध्य प्रदेश के 5 जिलों की बात करें तो यहां पर ही फसल बीमा का योजना का लाभ जो दिया जा रहा है उसकी तारीख बढ़ाई गई है, अन्य जिलों में क्यों नहीं बढ़ाई गई। उसके अलावा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। कमलनाथ जी का दौरा 12 तारीख को प्रस्तावित है, लेकिन वीडी शर्मा जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सक्रिय हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी जिन्हें जिम्मेदारी बड़ी दी गई है वो सक्रिय हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या जो आपदा बनकर किसानों के ऊपर बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है उसको लेकर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो कितने कारगर साबित होंगे और उसके बाद जो मांग है कांग्रेस की वो कहां तक लेकर जाती है। उपचुनाव में ये मुद्दे काफी गर्माएंगे, आज इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को रायसेन जिले के बाढ़ प्रभावित गांव की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रभावित फसलों और संपत्तियों का मूल्यांकन कर उसके भुगतान किसानों और निवासियों को दिए जाने की बात कही। बता दें, पिछले दिनों हुई बारिश के चलते कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और यही वजह है कई स्थानीय लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इन प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम प्रभावितों के खेत और घर का ईमानदारी से सर्वेक्षण करेंगे और उचित मूल्य उन्हें दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे आठ दिन से मैं लगातार बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगा, भयानक बाढ़ भी आई, मैं भी रात में अपनी 48 घंटे मैंने पलक से पलक नहीं लगाई, दिन और रात हम लोगों ने मेहनत की और 13,000 लोग जिंदा बचाए, अलग अलग जगह जो बचे थे निकाल के लेके आए, उनकी जाने बचाई, लेकिन फसलें हम नहीं बचा पाए। सोयाबीन का तना नहीं छेदा, इल्लियों ने किसान की किस्मत ही छेद डाली, लेकिन मैं कहने आया हूं चिंता मत करना रवि, मामा आ गया है, ईमानदारी से पूरा सर्वे होगा, कलेक्टर है, पूरा प्रशासन है, यहां पे कमिश्नर बाकी सब लोग यहां पे, जो प्रभावित खेत है एक एक खेत का सर्वे होगा और राहत की राशि और फसल बीमा योजना की राशि से आपके नुकसान की भरपाई करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर बात प्रभावित जिलों में किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा की तारीख 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। फसल बीमा की तारीख बढ़ाए जाने के फैसले का जहां बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस की मांग है फसल बीमा की तारीख सिर्फ 5 जिलों में नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से तारीखों को बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस का कहना है 7 सितंबर तक की तारीख भी किसानों के लिए नाकाफी है क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। ऐसे में किसानों को सरकार को और राहत देनी चाहिए। जाहिर है उपचुनाव से पहले ये मुद्दे काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर रिक्त पड़ी 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही नेताओं के राजनीतिक दौरे जारी हैं। बात करें बीजेपी के दौरे की तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दतिया शिवपुरी प्रवास पर रहे। जाहिर है चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। देखना होगा उपचुनाव में कौन पड़ेगा किस पर भारी और कौन मारेगा बाजी। डेस्क रिपोर्ट DNA। फसल बीमा की तारीख बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का सवाल है और उपचुनाव से भी ये मुद्दा काफी जुड़ता है क्योंकि ये वो मुद्दा है जो कि किसानों के बीच में जब पहुंचेगा तो किसान इसको निश्चित तौर पर हाथों हाथ लेंगे। और प्रदेश सरकार की बात करें या विपक्ष की बात कर लें, उपचुनाव में ये निर्णायक साबित होने वाले। चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, चर्चा के लिए मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। विकास बोंदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हैं और गीत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं।
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर तीनों का बहुत बहुत स्वागत है डीएनएन पर। गीत जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा क्योंकि ये किसानों का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है सर प्रदेश में, लेकिन अब कोरोना काल के बीच में नया हो जाता है सर, क्योंकि बात आती है फंड की या अब एक आपदा आई है जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी सर। बाढ़ की स्थिति क्या निर्मित हुई थी सर? बाढ़ आई थी वो तो। शिवराज जी ने दौरा किया है 5 जिलों को राहत देते हुए, 5 जिलों के किसानों को राहत दी है आज सर। कांग्रेस का कहना है कि 5 जिले क्यों, अन्य जिले भी हैं सर शामिल। और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर में चंबल संभाग में जो दौरे 3 से 5 दिनों के बीच में जारी है सर, वीडी शर्मा जी के हैं, नयन सिंह तोमर जी के हैं और कमलनाथ जी भी 12 तारीख से दौरे पर रहने वाले हैं सर, तो ये कितना इफेक्ट करेंगे? अंकुश जी, जी मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट जी जी गंभीरता सुना है मैंने जी जी जी, और सरकार को भी मैंने बहुत गंभीरता से देखा है और जाना और परखा है। क्या ये माटी पुत्र ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो? ऐसे धोखे खाते रहेंगे, इनकी फसलों का नुकसान होता है, मुआवजा इनको मिलना चाहिए था कल या परसों या नरसों या 1 महीने बाद, इनको 1 साल तक मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं और बहुत गंभीरता सुन लें, सरकारें हमेशा छलती, हम जमीनी हकीकत पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप उपचुनाव की राजनीति पे लगे हुए हो, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आखिर इस माटी पुत्र का भला कैसे होगा। ठीक है, देखिए अंकुश जी, किसान किसान है तो ये धरा है जी, और अगर ये धरा नहीं है तो किसान नहीं है। इतनी भयावह बारिश हुई है जी, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है, मक्का पूरा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, आपके पास पैसा है नहीं, आप कर्जा ले लोगे, कर्जा चुकाओ कहां से? जनता मूर्ख बनने के लिए बैठी है क्या? चाहे मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मूर्ख बनाने की राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिद्दीकी साहब जी, सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी जी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए गीत जी ने अपनी जो बात रखी है सर, पक्षपात किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं वो, और उन्होंने स्वच्छ मन से जो बात है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अब वक्त आ चुका है कि माटी पुत्र किसानों की बात कर रहे हैं, उन्हें छलाना जाए। उपचुनाव सामने हैं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने देखा है सर काफ़ी नज़दीक से राजनीति में, माफ़ कीजिए पत्रकारिता में काफ़ी वक्त से सक्रिय हैं, उसके बाद भी इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो खुलकर वो भी अपनी बात रखते हैं और हम भी उठाते हैं उस मुद्दे को। आपसे जवाब चाहेंगे सर, उसके बाद बीजेपी का भी पक्ष जानूंगा जी। देखिए कांग्रेस की सरकार तो 15 महीने के लिए आई थी, जी जी, हमने ईमानदारी से जो हम कर सकते थे हमने किसानों के कर्जे माफ, और यदि अगर हमारी सरकार रहती तो जून तक ये मध्य प्रदेश में मामला खत्म हो जाता। ठीक है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली जो थी वो कमलनाथ जी की सरकार दे रही थी, मध्य प्रदेश में जो हमारे किसान परेशान थे उनको सबसे सस्ती बिजली मिल रही थी, और हर मामले में चाहे बीज हो खाद हो, हर मामले में अगर मक्का में बीमारी लगी, येलो मोज़ेक जैसा सोयाबीन में लगा ऐसी मक्का में बीमारी लगी थी, तुरंत राहत किसानों तक दवाइयां पहुंचाई गई और किसानों की फसलें बचाई गई। लेकिन ये वर्तमान की सरकार ना तो दवाई की आपूर्ति कर पाई ना कोई काम कर पाई। मैं तो शिवराज जी से सवाल करता हूँ कि आपके पास तनख्वाह देने को पैसा नहीं है अपने कर्मचारियों के पास, आप काल्पनिक वेतन वृद्धि करते हैं, अब काल्पनिक वेतन वृद्धि तो वही समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, बीमा कंपनी आपके पास तय नहीं है, फसल बीमा कंपनी की कौन सी कंपनी सर्वे करेगी? आज तक आपके और कृषि मंत्री के झगड़े के बीच में वो कृषि फसल बीमा कंपनी नहीं तय हो पाई कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल बीमा कंपनी काम करेगी, तो अब जब वो आई नहीं अभी कंपनी तो अब शिवराज जी मुआवजा देंगे कैसे हमें, तो ये समझा दीजिए। जहां तक आज बीज
4,619 करोड़ रुपए जो खरीफ के 2019 के पिछले साल के किसानों को फसल बीमा का पैसा मिल रहा है वो कमलनाथ जी की सरकार ने उनके सर्वे कराए थे, हम ही ने स्टेट शेयर जमा किया था और उस राज्यांश जमा किया था और आज किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। और ये पैसा हमने बहुत पहले आज से 6-7-8 महीने पहले केंद्र सरकार को दे दिया था। तो अब सरकार के ऊपर ये दायित्व है कि करेंगे क्या। आप कह रहे हैं परेशान मत होना, उनके खुद के जो सीहोर जिले के किसान जो है वो हैट्रिक लगा चुके, रोज एक नई खबर आ जाती किसान की आत्महत्या के दिन। पहले दिन तो बहुत प्रपंच किया भारतीय जनता पार्टी ने जी, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन आ गई खबर, अब तीसरे दिन आ गई खबर, तो कहां तक झुटलाएंगे आप जब कोई समस्या को आप देखना नहीं चाहते। धधे घोड़ों पे खाने वाला जो चावल है वो आपने लॉकडाउन में बंटवा दिया और अभी भी 73,000 मैट्रिक टन रखा हुआ है 150 करोड़ रुपए का चावल और ये सरकार FIR नहीं कर रही उन मिलर्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं मंशा नहीं है। अगर आपको भाषण ही देना है और बोलना है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। आज क्यों हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं लोगों के घर में, हमारे यहाँ हमारे जमाने में तो 100 रुपए के बिल आते थे। तो मंशा नहीं है सरकार की, कुछ देना नहीं चाहते, ये कोरी घोषणाएं हैं जो मामा विख्यात थे कोरी घोषणाओं में, वही फिर से घोषणाएं शुरू हो गई है। घोषणाओं की सरकार है, अगर राहत देनी है तो सीधी करें, हमने दी थी, आप नीमच मंदसौर में पता कर लीजिए कि किस तरीके से कमलनाथ जी ने राहत बांटी थी लोगों को और लोगों ने वो कमलनाथ जी की बात को हाथों हाथ लिया था, एक भी शिकायत नहीं आई थी लोगों की, जबकि हमको NDRF से पैसा बहुत कम मिला था केंद्र सरकार से। तो सारी बातों को एक ही लब्बो लुआब है कि ये सरकार मात्र घोषणाएं करती है, घोषणाएं कर रहे हैं, इनके पास पैसा है नहीं, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, मुआवजा कैसे बांटेंगे ये शिवराज जी स्वयं बताएं। ठीक है, देखिए फिरोजी एक अहम सवाल आपने भी उठाया कि मुआवजा कैसा बांटा जाएगा। विकास जी आपने भी सुना और मैं भी यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो उपचुनाव सामने है, उसकी तैयारियां आप भी कर रहे हैं, कमलनाथ जी की बात करें वो भी अब दौरे पर रहने वाले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, और मुआवजा कैसे बांटा जाएगा फसल बीमा योजना का, क्योंकि आज जो जिक्र हुआ है 5 जिलों का हुआ है कि 5 जिलों में जहां पर बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनकी बात है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ 5 जिलों की बात नहीं है, उसके अलावा भी कई किसान परेशान हैं, उनके बारे में क्या सोचेंगे। देखिए कांग्रेस तो केवल बातों की खाना चाहती है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि बातों आज से कुछ हो रहा था, इसलिए विदा हुए। इनके जो विधायक थे वो खुद ही समझ चुके थे कि कांग्रेस की बातों से कुछ होगा नहीं और उन्होंने कांग्रेस से विदा की, इसलिए सरकार दी। खैर वो राजनीतिक बात है। देखिए जो फसल बीमा योजना की बात है, आपको हमको सबको पता है कि जो मूल फसल बीमा योजना है उसमें तो तारीख 15 जुलाई ही होती है अंतिम तारीख बीमा को के हेतु आवेदन करने की जी। इस बार तो केंद्र सरकार ने भी उसे एक्सटेंड कर दिया था जी जी, 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो गई जी। ठीक है, देखिए इन पांच, इसका मतलब ये नहीं बीमा वीमा हमारा जोर तो है कि जो बीमा करा चुके हो उनको क्लेम दिया जा सके, जो कमलनाथ जी की सरकार क्लेम नहीं बांट पाई थी, 2018 का क्लेम नहीं बांट पाए थे, ये 2019 का क्लेम नहीं बांट पाए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने पिछले 4 महीने में काम कर दिया। फिरोज भाई बात कर रहे थे इनके द्वारा बीमा क्लेम के लिए सर्वे कराने की, बिल्कुल आपने सर्वे कराए थे। कंपनी तो कौन है मुख्य, तो वो तब भी सरकारी है, सुनिए आपने जो सर्वे करवाए उसमें किसानों को हानि हुई, सर्वे ठीक नहीं हुए, जहां 75-80% तक की हानियां थी आपने उसे 50% से गिनती करवाया और जानबूझ के कराया, ताकि देखिए आज भी फसल बीमा योजना में सरकारों को ही उसके क्लेम का शेयर, क्लेम के लिए शेयर बढ़ाना पड़ता है। बीमा कंपनी तो एक हद तक ही केवल जवाबदारी ले पाती है, वो तो एक कमर्शियल एंटिटी है, वो उसकी जिम्मेदारी वहां भी सीमित है, एक सीमित नुकसान के बाद में सारी जिम्मेदारी सरकारों को ही वहन करनी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उसके लिए तैयार है। अब कंपनी का जिक्र फिरोज भाई कह रहे हैं और तारीख का, तारीख तो उन 5 जिलों में 31 अगस्त तो पूरे मध्य प्रदेश में थी, जो अन्यथा 15 जुलाई होती है, मतलब 1.5 महीने का ज्यादा समय दिया
जबकि आपको याद है गीत जी आप भी बोलेंगे, डेढ़ महीने में किसानों को लगातार बाढ़ से नुकसान हुआ है, सोयाबीन के ऊपर और अन्य फसलों के ऊपर कीट का प्रभाव आया है, फिर भी सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं किसान अधिक से अधिक आवेदन कर सके, स्थिति और खराब हुई है तो शायद और ज्यादा किसान आवेदन करना चाहेंगे, 31 अगस्त की गई। देखिए इन 5 जिलों में अगस्त के आखिरी हफ्ते में बाढ़ का प्रकोप आया, वो किसान जो सोयाबीन के पीले पड़ने से हताहत थे वो बाढ़ के कारण बैंकों तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो बैंकों तक पहुंच जाए अपने पीले हुए सोयाबीन का फसल बीमा करा ले ताकि उन्हें बीमा क्लेम भी मिल सके। सरकार केवल इसी उम्मीद में केंद्र सरकार को आवेदन किया मुख्यमंत्री जी ने परसों कि भाई हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, 5 जिलों में स्थिति नहीं थी बैंकों तक अप्रोच करने की, अतः 7 दिन और बढ़ा दिया जाए। तब केंद्र सरकार ने बढ़ाया है समय, कांग्रेस कह रही है बाकी जिलों में बढ़ाया जाए, अरे कांग्रेस की सरकार तो कई प्रदेशों में है, उन्होंने वहां के लिए समय बढ़वाया क्या? उन्होंने कोई केंद्र सरकार को आवेदन दिया क्या कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप समय बढ़वा दीजिए? कहीं नहीं दिया, केवल मध्य प्रदेश में बातों की बातें करना के खाना चाहते हैं, लेकिन जनता समझता है। कंपनी कौन सी है भैया, ये दिग्विजय सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि आपके कृषि मंत्री और शिवराज जी के झगड़े कमीशन के चक्कर में जो है बीमा कंपनी तय नहीं हो पाई, तो क्यों नहीं हो पाई तय बीमा कंपनी? नहीं नहीं नहीं, फिरोज भाई मैं आपको सही बात बताऊं, कंपनियों के 3 बार कॉल किए गए, लेकिन सरकार का लगता था कि जो कंपनी प्रीमियम शेयर अपना मिलाना चाहती है खुद की तरफ का वो ज्यादा है, अत्यधिक है, हम उसे और नेगोशिएट कर रहे हैं, सरकार और नेगोशिएट कर रही है, कम के ऑफर आ गए हैं, फाइनल किया जाएगा। देखिए मैंने क्या बाकी कहा, राज्यों में तो ये स्थिति नहीं है, बाकी राज्यों में तो ये स्थिति नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट होता है, बाकी राज्यों में वहां की सरकारें अगर कंपनियों से नेगोशिएट करने में बार्गेन करने में कसर छोड़ रही है तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार का दोष है? अरे हम चाहते हैं कि कंपनियों को और कम से कम कंपनी की स्थिति बने, अब जब इतना सुनिए आप, हर डिस्ट्रिक्ट जब इतना नुकसान हो गया है तो अब ऐसे नुकसान के सौदे में कोई कंपनी क्यों हाथ डालेगी? अब आप मुझे ये समझा दीजिए, मैंने आपसे क्या, आप भी व्यापारी है, आप ही कह रहे हैं ना वो कमर्शियल एंटिटी है बीमा कंपनी, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि कमर्शियल एंटिटी है बीमा कंपनी, अब आप भी व्यापारी है या मैं भी व्यापारी हूँ, हम क्यों घाटे के काम में हाथ डालेंगे? जी जी फिरोज भाई मैंने क्या कहा, कंपनियों को तो एक हद तक ही रहता है मामला, बाकी सब मामला केंद्र और प्रदेश की सरकार को ही उठाना होता है, प्रदेश सरकार एक सीमा से जाके क्लेम का जो पटाक्षेप करती है वो प्रदेश की सरकार को ही वहन करना है साहब, राशि तो आप वो फिक्र छोड़िए, अब मूल बात ये है कि इस पूरे काम को करने के लिए एक तरह से यूं समझ लीजिए आप कि मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो जो कंपनी सबसे कम कोट करेगी सबसे कम चाहेगी उसके साथ सरकार काम करेगी, स्पष्ट बात है, कंपनी के घाटे फायदे का सवाल नहीं है, जब राहत राशि और आपके पास कोई कंपनी नहीं आ पाएगी, आपके पास कोई कंपनी नहीं आ पाएगी, पूरे स्टेट का सोयाबीन खत्म हो गया। चले ठीक है जी, अच्छा सेकेंडली इसके अलावा भी हम तो आरबीसी के तहत आरबीसी 6 के तहत 4 के तहत भी हम राहत राशि बांटने के लिए तैयार हैं, तनखा बांटने को तो पैसे नहीं है, आपके पास तनखा बांटने को कोविड से लड़ने के लिए पैसे नहीं है, आप मुआवजा कैसे बांटेंगे ये और बता दीजिए। आप सुनिए ना, सरकार के पास बहुत पैसा, आप मत फिक्र करिए, किसान को राहत पहुंचाना है तो सरकार सब अपने फंड को उस तरफ मूव कर देगी, आप फिक्र ना करिए, ये कमलनाथ जी का लबोलुआब हुआ करता था, अरे साहब पैसा नहीं है कैसे कर्जा चुकाएंगे, अरे वादा करते वक्त नहीं देखी थी कि प्रदेश की स्थिति क्या थी, जब प्रदेश की सरकार की स्थिति क्या थी, बोलते नहीं है आप, करके दिखा देते हैं, वादे क्यों किए थे इलेक्शन के मुंह में? बोंद्रिया जी आपकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, जैसे 51,000 के 28,000 कर दिए बच्चियों की कन्यादान में, सुनिए हमने तो दिए थे, आप बोलेंगे हम देंगे उसको, ठीक है
आपने 5% दिए था जो कर्मचारियों के लिए हम घोषित करके गए थे कि अप्रैल से, वो आपने नहीं दिया, क्यों उसको खत्म कर दिया? ये काल्पनिक वेतन वृद्धि क्या होती है वो बता दीजिए आप। सुनिए ना, आप सिर्फ जो आप एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं बना पाए अभी तक कोरोना का, तो क्या हमारे सरकारी कर्मचारी आप जो है सबसे 15वें नंबर के पे का राज्य है टेस्टिंग के मामले में, कोविड टेस्टिंग के मामले में सबसे नीचे का स्थान है आपका। आप जानवरों को खाने का जो है चावल बंटवा रहे हैं लोगों में, तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि ये सब कम क्यों किया जा रहा है। अच्छा एक चीज और बताइए, गोंदिया जी, आप कोरोना का देखिए छत्तीसगढ़ के क्या हाल है, समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के हाल क्या है आप समझ लीजिए। अरे बोंद्रिया जी, आप मुझे ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्यों बंद हो गई, ये बता दीजिए आप तो मुझे। मैं तो कृषि सिंचाई योजना क्यों बंद कर दी, कितने कितना अनुदान बांटा अभी तक आपने किसानों में, बताइए एक रुपए का अनुदान दिया हो, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, NFSM हो, ISOPAM हो, हॉर्टिकल्चर की जितनी स्कीम्स है, आप ड्रिप स्प्रिंकलर पाइप सिंचाई उपकरण नहीं दे पा रहे किसानों को अनुदान, आप कहते मुआवजे की बात करेंगे, कैसे होगी मुआवजे की बात? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए जी, इस बजट में, अरे बजट तो हम अभी ला पाए हैं ना, वो भी कैसे ला पाए हैं, वो भी कैसे ला पाए, क्या सदन में रख पाए क्या बजट? बजट तो अभी हम जुलाई अगस्त में ला पाए हैं, वो भी किस तरह से लाए हैं? सरकार का जो विशेषाधिकार है प्रोगेटिव है अध्यादेश की भांति लाने का, समय खत्म हुआ सर, आया इस बार बजट तो उस पर काम चालू हो जाएगा जी। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी थी कोरोना, किसान को। अच्छा एक बात बताइए फिरोज भाई, हाँ। कोरोना के इस महामारी और संक्रमण के दौर में किसानों का गेहूं संपूर्णता के साथ इस सरकार ने खरीदा या नहीं खरीदा, आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं नहीं ठीक है, कांग्रेस कहती है कि हमारे कार्यकाल में कमलनाथ जी ने व्यवस्था की थी इसलिए इतना रिकॉर्ड बनाया सर, इस पे कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। अच्छा ये तो कमल जी सर, ये कांग्रेस कहती है कमलनाथ जी को अन्य प्रदेशों को सौंप देते हैं, वो अगर 12 महीने में, अभी फिरोज भाई कह रहे थे 12 महीने बहुत कम होते हैं, 12 महीने में इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का रिकॉर्ड अपने तय करा दिया कि शिवराज सरकार जी की द्वारा जो काम किए गए मूलभूत काम इंफ्रास्ट्रक्चर साहब कुछ कह रहे हैं, मैं उनका प्रतिक्रिया लेता हूं और मैं, मेरे पास समय कम है जी। सिद्दीकी जी चलिए। अंकुश जी जी, मैंने दोनों की बात बहुत गंभीरता सुनी है। 1400 करोड़ रुपए, अरे क्या बांटे सर, 2018 का तो बांटा नहीं था आपने, सर 2018 का तो आपने क्लेम नहीं बांटा था, आप इसमें 2019 की खरीफ का क्लेम नहीं बांटा था, आप बांट लेंगे क्या? मोदी सरकार ने नियम बदल दिया है तो क्या? दिए ये 2018 रवि का और 2019 खरीफ का बोनस बांटा है, वो गेहूं वो मोदी सरकार उठाने के लिए तैयार है क्या? नहीं है ना, NFSCI ने मना कर दिया ना इस बात के लिए। सुनिए ना, वो सरकार अपने दम पे काम करेगी, अब शिवराज जी की सरकार है, जो काम फेडरल सिस्टम में हो सकता है वहां पे सहायता लेके किया जाएगा, अन्यथा प्रदेश सरकार अपने कंधों की क्षमता रखती है। जी तो बहुत अच्छी करते हैं, अरे तो आपका आपकी सरकार का दम क्या था साहब, जब आप हर चीज के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं, वादे करके तो आपने सरकार बनाने का प्रयास किया था सर, वादे तो सभी करते हैं सर, पहले चुनाव के पहले सभी करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस सभी करते हैं सर, उस पर हम नहीं जाना चाहते, हम तो किसानों की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि 5 जिलों में बाढ़ की स्थिति थी इसलिए आवेदन का दिनांक बढ़ाया गया है। जी जी चले ठीक है, आपकी बात मान ली सर। देश भर में 31 अगस्त पे जी क्लोज हुई है डेट, जी क्या प्रॉब्लम थी? ठीक है चलिए, उस पर निशाना कांग्रेस साध रही है, आपका जवाब हमने सुना, सिद्दीकी साहब का हमने जवाब सुना, और गीत दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का आभार है सर, गीत दीक्षित जी का। जी जी बोलिए 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 बोलिए। मैं दोनों ही मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, बोलने का बहुत कम समय। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है जी, बोलिए आप बोलिए। मैंने विनोद जी की भी सुना और विकास जी को सुना, विकास तो मेरे मित्र हैं जी जी, विनोद का एक तो विनोद जी नहीं सर, सिद्दीकी साहब जुड़े हैं कांग्रेस से, फिरोज सिद्दीकी साहब, मक्के की खेती जी जी उस समय नहीं हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है एक बात। जी जी विकास जी जो कहानी कह रहे हैं जी जी,
विकास जी बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, जी जी, लेकिन चूंकि मेरे भाई भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, जी जी, और विकास जी मेरी बात का पलटवार नहीं कर पाएंगे। हमेशा सरकारें धोखा किसको देती है? हाँ। सरकारें, हाँ। चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, ठीक है, धोखा देना बंद करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जनता के साथ धोखा आपको नुकसान देगा, और खासकर माटी पुत्र के साथ। हाँ, ठीक है, चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, सर हमारे पास समय की कमी है सर, और गीत जी आपसे माफी इसलिए चाहूंगा, आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आपका पक्ष हमने जाना और आपने वाजिब बातें उठाई हैं सर। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की है कि जो प्राकृतिक आपदा जो प्रदेश पर कहर बनकर टूटी है, उसको लेकर जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे भी किया फसलों का, और फसल बीमा योजना को लेकर तारीख जो बढ़ाई गई है उस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उपचुनाव में इसका कितना नुकसान किस पार्टी को होता है, कितना फायदा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त आपदा जो है दोहरी पड़ी है। एक तो कोरोना काल चल रहा है और ऊपर से ये बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है प्रदेश में, तो इससे निपटना भी प्रदेश सरकार की चुनौती है। विपक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष अपनी जगह सही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें नुकसान ना हो। ये बड़ा सवाल है कि उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार की तैयारियां इस ओर कितनी सशक्त साबित होने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी खास पेशकश मिलता ही, डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन दी 100% डिजिटली इनेबल्ड फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी।